बहुत बहुत बधाई हो नीरू, बहुत बहुत बधाई हो। किस बात की बधाई? लल्ला बहू घर लाया है। जानवी से शादी कर ली उसने। पहले तो तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं बुला रही हूँ तुम्हें, आशीर्वाद दे दे बस। लल्ला, जानवी, गंगा, मेरी बहादुर बिटिया को अपने मन को पहचानने के लिए ना किसी सागर की जरूरत है, ना किसी बाबू की, ना किसी सिंदूर की, और ना ही किसी सहारे की। तो का सिर्फ अपने मन को टटोलना है, तो सारे प्रश्नों के उत्तर वहां मिल जाएंगे। बिटिया, कभी गंगा की मांग भर देना, कभी जानवी के साथ कोर्ट मैरिज कर लेना। आखिर सागर चाहता क्या है? ईश्वर ही जानता है कि लल्ला जुनून नाम के कौन से घोड़े पे सवार दंदनाता हुआ इधर उधर भागता है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है अम्मा जी, मुझे सागर से बात करनी होगी। अभी नहीं, 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 नीरू, अभी सही समय नहीं है। नीरू, जानता है ना कोर्ट के कानून तो नहीं पलट सकता तू। क्या जवाब दूंगा मैं जानवी के माता पिता को? उसकी चिंता मत कर, मैंने बहू से बात कर ली है, वो उसने फोन लगाया सवेरे आ जाएंगे। अब जैसे ही वो आते हैं अच्छा मुहूर्त निकालेंगे, फेरे और प्रीति बोझ करके बस अपनी दुनियादारी को निभा लेंगे। हाँ वो सब तो हो जाएगा अम्मा जी, लेकिन ये तरीका सही नहीं है ना, गलत है ये। क्या बोलूं मैं, अपना ही सिक्का जब लो सागर, मेरी मांगनी सिंदूर भर दो और दूर कर दो हमारी शादी के अधूरे पन को। क्या हुआ सागर, क्या सोच रहे हो? क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ सागर, क्या कर दिया तुमने? जानवी मैम, मैं गुस्से में था, मैं गुस्से में, कैसा कदम उठा लिया मैंने जानवी। गंगा, 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 रुको सागर, दरवाजा खोल प्लीज। गंगा, हाँ एक बार मुझे बात करनी है। कुछ नहीं सागर, तुम इसके आगे नहीं जा सकते। गंगा प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश कर। क्या समझे हम सागर, जिस पल तुमने जानवी से शादी करी उसी पल हमारे तुम्हारे बीच में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। गंगा, तू क्या कह रही है? तू सारे रिश्ते खत्म कर रही है हमारे बीच। गंगा, तू ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा हमने नहीं किया है सागर, ऐसा तुमने किया है। हमारे रिश्ते की एक एक तार को, एक एक धागे को तुमने अपने हाथों से तोड़ दिया। वाह गंगा, वाह, कितनी आसानी से तूने अपनी करनी का इल्जाम मेरे सर डाल दिया। हाँ,